नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी जगह पे काम करता है या किसी शहर में रहता है, लेकिन वो शहर उसको सूट नहीं करता। मतलब उस शहर में ना तो उसे तरक्की मिलती है, ना पदोन्नति मिलती है, ना अगर कोई उसको कारोबार है तो वो चलता है। तो ऐसी क्या वजह है जिसके कारण किसी व्यक्ति को किसी विशेष जगह पर सफलता नहीं मिल पाती और दूसरे व्यक्ति को उसी जगह पर उसी काम में बहुत सफलता मिलती है, तो इसके पीछे क्या है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि किन व्यक्तियों को किन जगहों पर सफलता मिल सकती है और किन जगहों पर नहीं। मतलब कुल मिला के ये है कि ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं अपने किसी भी कार्य में। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी, चाहे वो व्यवसाय लगाना चाहते हैं, कोई किसी जगह पे नौकरी करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी चीज़, कोई दुकान डालना चाहते हैं, तो ऐसी वो कौन सी सही दिशा होना चाहिए, कौन सा सही शहर होना चाहिए, शहर मतलब दिशा से है मेरा, तो ऐसी कौन सी सही जगह होनी चाहिए जहाँ पर अगर ये काम करते हैं आप तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सके। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है कि हम हमारी लकी दिशा या लकी अंक निकालेंगे कैसे, लकी दिशा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा एक तरीका है, एक छोटी सी विधि है जिसके थ्रू आप आसानी से अपनी लकी दिशा या अशुभ दिशा या शुभ दिशा आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज़ करिए किसी इंसान का जन्म जो है 1976 में हुआ है, यानी कि 1976 में हुआ है। तो हम 76 की अभी बात कर रहे हैं, 19 को हटा रहे हैं, 76। तो 76 में 7 + 6 दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 13। अगर हम 13 फिर से डबल अंक हो गए तो इसको फिर से हम सिंगल अंक पे लेके आएंगे, तो 13 में यानी 1 और 3 को प्लस करते तो कितना आता, 4। इसका मतलब ये कि 4 अंक हुआ। अब हमको क्या करना, अगर आप एक पुरुष हैं, जेंट्स हैं, तो आपका क्या करना है, 10 में से इस नंबर को माइनस करना है। तो अभी नंबर कौन सा आया था, 4। 10 में से 4 को माइनस किया कितना बचा, 6। इसका मतलब 6 आपका लकी नंबर हुआ। लेकिन अगर आप एक लेडी हैं, अगर आप एक लेडी हैं, एक महिला हैं, तो आपको इसमें 5 ऐड करना है। तो 4 + 5 कितना हुआ, 9। इसका मतलब आपका 9 लकी नंबर हुआ। अब इस हिसाब से देखिए, अगर पुरुष है तो आपका लकी नंबर क्या हुआ, 6, और अगर आप लेडी हैं तो आपका लकी नंबर क्या हुआ, 9। अब इस हिसाब से आप इस चार्ट में देखिए, सामने एक चार्ट है, इस चार्ट में हम देखेंगे कि 4 के जो शुभ दिशा है वो कौन सी है, अशुभ दिशा है कौन सी है, अगर उसको व्यक्तिगत उन्नति चाहिए तो उसके लिए दिशा कौन सी है, उसके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए दिशा कौन सी है, ये सभी आप इस चार्ट में देख पाएंगे। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ चार्ट के थ्रू। अगर आपका अंक 6 है, जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट के अंदर, अगर आपका अंक 6 है तो जो आपकी सफलता की दिशा, यानी कि आपकी जो भी आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो आप अगर पश्चिम दिशा में करेंगे, पश्चिम दिशा की ओर करेंगे, तो ये इसमें हमेशा आपको सफलता ही मिलेगी, ठीक है। और ईशान जो है, यानी ईशान दिशा है, या फिर अपन इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी दिशा रहेगी। यानी अगर आप इधर की तरफ अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर शादी विवाह की बात करते हैं, कोई प्रेम की बात करते हैं, तो आपका जो रिश्ता है या आपके जो शादी की कोई बात हो रही है, तो वो नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ से अगर कोई रिश्ता आता है तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और आपको व्यक्तिगत उन्नति चाहिए या किसी ऐसी उन्नति जो आपसे ही रिलेटेड हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट आपके लिए सबसे अच्छी दिशा रहेगी। अगर हम खराब दिशाओं की बात करें, वैसे मैं कभी खराब चीज़ें बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप उत्सुक हैं तो मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जो खराब दिशा है वो रहेगी साउथ ईस्ट। ये दुर्भाग्यशाली दिशा है, इस दिशा में अगर आप कोई काम ना करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से आप अपना अंक निकालिए और अंक के हिसाब से आप इस चार्ट के थ्रू अपनी शुभ दिशा और अशुभ दिशा सारी चीज़ इससे देख सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, आपको नहीं देख पा रहे हैं या कुछ भी दिक्कत जा रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब तुरंत दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप रहिए खुश। जय हिंद।